हेलो गाइज, आप लोग को मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने के लिए जा रहा हूँ पावर डायरेक्टर ऐप क्या है, पावर डायरेक्टर ऐप का आप यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, पावर डायरेक्टर ऐप के द्वारा हम वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे, तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम अपने पावर डायरेक्टर ऐप ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटर फ्रेस आएगा। तो आप न्यू प्रोजेक्टर पर क्लिक कर अगर आप प्रोजेक्टर का नाम देना चाहते हैं तो आप यहां पर प्रोजेक्टर का नाम दे दीजिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली ओके कर दीजिए, और ओके करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इसका आएगा। तो आपको यहां पर एक कंडीशन करना है। सबसे पहले तो आपको कलर बोर्ड चूज कर लेना है, कौन सा कलर बोर्ड जो है वह आपका बैकग्राउंड में रहेगा। तो आप यहां पर कलर बोर्ड पर क्लिक कर यहां से आप कलर बोर्ड अपना चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम रेड वाला कलर बोर्ड यहां पर चूज कर लेते हैं, और चूज करने के बाद आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जिस प्रकार से आपको यहां पर एरो आया है, आप उस एरो पर एक बार प्रेस कर दीजिए ठीक इसी प्रकार से। उसके बाद यह कलर बोर्ड को इतना लंबा कर दीजिए जितना लंबा आपका वीडियो है। तो मेरा वीडियो सपोज कीजिए अगर 27 सेकंड का है तो हम इसको 27 सेकंड तक ले जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसको 27 सेकंड तक ले गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है। उसके बाद फिर इसको आप बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। एफ एक्स जहाँ पर लिखा गया है एफ एक्स, ठीक उसके ऊपर में आपको एक सिंबल मिलते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको चार सिंबल आ जाएंगे। फर्स्ट आपको टाइटल आता है, अगर आप टाइटल पर क्लिक करते हैं तो टाइटल, अगर आपको कलर बोर्ड में कुछ लिखना है तो आप कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो का ऑप्शन आता है, उसके बाद थर्ड आपको इमेज का ऑप्शन आता है, आपको फोर्थ नंबर स्टिकर का ऑप्शन आता है। तो हम सबसे पहले वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा वीडियो हमको लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर अपने फ़ोन गैलरी में पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम अपना 27 सेकेंड का एक वीडियो ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 27 सेकेंड का अपना वीडियो एक ले लिए हैं। उसके बाद देख लीजिए आपको मोबाइल स्क्रीन थोड़ा सा लंबा कर देना है, जो यह पूरा कलर बोर्ड में सेट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको बैक चला आना है, और बैक आने के बाद आप फिर से एफ एक्स से डायरेक्ट ऊपर वाला सिंबल पर आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आप स्टिकर ले लीजिए। कोई भी आप ले सकते हैं जो आपका काम का है। जैसे हम लाइक का ले लेते हैं, तो लाइक मेरा काम का है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर स्क्रीन के जस्ट अपोजिट लगा देते हैं, कुछ हटाकर। देख लीजिए हम लगा चुके हैं। और उसके बाद ये जो आप नीचे में देख रहे हैं थर्ड नंबर यहाँ पर लाइक वाले, तो लाइक वाले को इतना लंबा कर दीजिए जितना लंबा आपको वीडियो है। देख लीजिए हम तीनों को ठीक सही प्रकार से हम यहाँ पर लंबाई दिए हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको भी देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन वाले पर क्लिक कर देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको लाइक वाला पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अब मेरा यह वीडियो ओके हो चुका है, तो हम आपको यह वीडियो स्टार्ट कर दिखा देते हैं। वन सेकेंड गाइज, देख लीजिए गाइज यह वीडियो हम आपको चलाकर दिखा दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको भी सारा काम करना है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में आपको सेव करने का ऑप्शन हम आपको दिखा देते, किस प्रकार से आपको सेव करना है। तो यहाँ पर सबसे सेटिंग के सबसे ऊपर वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टू ऑप्शन मिल जाते हैं। एक मिलते हैं प्रो डैश वीडियो, एक मिलते हैं सेव प्रोजेक्ट। तो आपको सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक कर यह वीडियो सेव कर लेना है, या तब आपको
100% तक आपको वेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद यह वीडियो आपका फ़ोन गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो बतलाइएगा गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।